नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से अभी अभी एक नोटिस जारी हुई है जो कि आवश्यक सूचना के रूप में है। यह आवश्यक सूचना का हम लोगों के साथ मजाक ज्यादा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले मुहर्रर मुक्त परीक्षा कराए जाने के लिए विज्ञापन आया था, हम लोगों ने फॉर्म भरा। ठीक है, अब फॉर्म भरने के 2 से 3 महीने हो गए, अब आयोग को ये पता चल रहा है कि इस पद से संबंधित विषय पर कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, और ये केस आज का नहीं है, 2016 का। और इस पर क्या हुआ है, इस पर आदेश पारित हुआ और उस आदेश के विरुद्ध में स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 514/2018, 513/2018 और 275/2019, ठीक है, भी विचाराधीन है। ठीक है, मतलब 2016 का केस था, 2018-19 में उस पे फिर आदेश आया, 2018-19 में उसके विरुद्ध फिर से अपील की गई, लेकिन जब फॉर्म निकाला जा रहा था तो आयोग को नहीं पता था कि ये कोर्ट में विचाराधीन है। अब आयोग को पता चल गया है तो इसके दृष्टिगत माननीय आयोग द्वारा उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में चयन संबंधी कार्रवाई को अग्रिम आदेशों तक अफवित किए जाने का निर्णय लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि अब फॉर्म वॉर्म भरा जा चुका है, अब कोर्ट को पता है, अब आयोग को ये पता चल गया है कि इस पे कोर्ट केस चल रहा है, अब इसने अग्रिम कार्रवाई रोक दी है। तो यह हम लोग के पास मजाक नहीं तो क्या है। ठीक है, यही एक सूचना थी, मैंने आपको बता दी। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई दूसरी सूचना आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।